फ्रेंड्स कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। और आज मैं शेयर करूंगी कि नारियल के तेल में आपको सिर्फ 2 बूंद 4 बूंद ऐड करने, कुछ बूंदे मिलानी है कह सकते हो, और आपके बाल होंगे जड़ से काले। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पैरासूट कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून करीबन ऑयल, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वन टाइम के लिए मैं बना रही हूँ, आप इसे महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गैस स्टोव जो है चालू कर लेना है और थोड़ा सा गर्म करना है इसे। अब मैं ऐड करूंगी इसमें ये नींबू। जी हाँ, ये जो नींबू का रस है ना फ्रेंड्स, इसमें विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो अपने बालों को मजबूत करता है, बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को बहुत ही अच्छा है ना। अगर आप रात को लगा के सोते हैं ना फ्रेंड, आपके बाल जड़ से काले होते हैं। जी हाँ, और नींबू के रस के फायदे इतने हैं कि फ्रेंड्स, आपके बाल के जो जड़ होते हैं ना, जड़ को मजबूत करता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है सर्दियों में नींबू लगाते हैं तो उन्हें जो है कि बहुत सर्दी लगता है, तो उसके लिए भी मैंने आगे आपको रेमेडी बताई है, तो पूरी वीडियो देखना आप लोग। और यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ बूंदे ऑयल की डालनी है, ये बूंदे नींबू की डालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि ये ऑयल गरम कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए, मैं हमेशा अजवाइन इस तरह से रखती हूँ, इसे मैंने गरम किया है ऑलरेडी। इसे हमें कुछ अजवाइन डाल लेना है यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर अजवाइन कितने अच्छे से यू नो स्प्लिट हो रहा है, आवाज आ रही है। अगर सर्दियों में आपको यू नो सर्दी के सीजन में आपको सर्दी लगती है तो आप इस तरह से अजवाइन वाला ऑयल लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसे नींद भी बहुत अच्छी आती है। और रात को अच्छे से स्कॉल्प में मसाज करके आप सो जाइए। तो इस तरह से आपको अजवाइन वाला ऑयल बनाना है। और उसके बाद देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये नींबू का रस। जी हाँ, नींबू का रस, जैसे कि इसके फायदे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कितने सारे इसके फायदे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो, अजवाइन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है, इसे कच्चापन नहीं रहने देना है। और उसके बाद इसमें ऐड करना है लेमन जूस। जी हाँ, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ बूंदे यू नो नींबू की, और ऑलरेडी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, उसका मैंने वीडियो नहीं ले पाई। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, अच्छी तरह से स्कॉल्फ है इसी तरह से लेके अच्छे से इसे मसाज करना है कुछ इस तरह से, और ओवरनाइट छोड़ देना आपको। और आप खुद महसूस करोगे फ्रेंड्स, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको सर्दी तो आपकी सर्दी भी निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको हल्के से मसाज करके सर्कुलर मोशन में आपको छोड़ देना है। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, एंड हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।